नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। वाराणसी से है, जहां पर उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तहत ग्रीन ऊर्जा पर बल देते हुए पावर ग्रिड को हाईटेक बनाने के लिए पीएम मोदी ने देश भर के लाभार्थियों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नरी सभागार में पीएम ने लाभार्थी प्रमिला देवी से बात की। इस दौरान सभी लाभार्थी पीएम को सुनने के लिए मौजूद रहे। 2014 के बाद हुए बिजली सुधार के बारे में लाभार्थी से जानकारी ली गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे भी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी ने पूछे मतलब अंदर कौन से क्या लाभ मिला है। हम लोगों ने बोले कि मेरे द्वार पर है एक बिजली की खंभे था, जिससे मुझे बहुत खतरा बना रहता था। अब हट गया है तो हम लोग का बहुत अच्छा फील होता है। सब बच्चे आराम से खेलते कूदते हैं। बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए नहीं है, कल जाके पीएम मोदी जी के लिए शुक्रिया धन्यवाद करेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के मौजूदा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज प्राइम टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की इशारों में बंदर से तुलना करते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद मचाने वाले नेता हैं। जहां लाभ देखते हैं वहां चल देते हैं। और क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश का विपक्ष लगभग और उनका जो गठबंधन था वो टूट चुका है, लेकिन टूटने के बाद अब लगातार जो बयान है वो एक दूसरे के ऊपर कसे जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से और उनके नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने चुनाव के समय प्रत्याशियों को पैसे के बल पर टिकट दिया था, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर और उनकी सिक्योरिटी उन्हें इसीलिए मिली क्योंकि वो बीजेपी की तारीफ करते हैं। हमारे साथ सीनियर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। सर, लगातार अब ओम प्रकाश राजभर और उनके नेता जो हैं वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं अखिलेश यादव के ऊपर और समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्या कारण रहता है? देखिए, अगर कोई उछल कूद में बहुत माहिर हो तो स्वाभाविक रूप से वो स्थिर तौर पर कहीं भी रुक नहीं सकते हैं। ये पहले भाजपा गठबंधन में थे, उसे भी छोड़ा तोड़ा, फिर सपा गठबंधन में आए, उसे भी छोड़ा तोड़ा, बात बसपा में जाने कह रहे थे, बसपा की तरफ से नो एंट्री का फरमान जारी हो गया। तो स्वाभाविक रूप से आज वो स्वयं हंसी के पात्र बन रहे हैं, तो उन पर तो हमें तरस आता है कि इतना बड़ा सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया, मनचाहा टिकट दिया, भाजपा गठबंधन से ज़्यादा सीटें भी ये जीते, भाजपा गठबंधन में इनके 4 विधायक थे, सपा विधायक में इनके 6 विधायक हैं, तो सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी अगर उन्होंने गठबंधन तोड़ा है तो उन्हें मुबारक। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से भी काफ़ी कुछ खलल मची हुई है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी से जब से आप अलग हुए हैं तब से आप भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हो गए हैं, जांच पड़ताल आपकी भी चल रही है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार का आरोप कभी लगा ही नहीं सकती, और जिस प्रकरण का हवाला दे रहे हैं उस प्रकरण के एक आरोपी को बता रहे हैं कि हमारा निजी सचिव या पीआरओ, जबकि निजी सचिव और पीआरओ दोनों की तैनाती सचिवालय प्रशासन करता है, और उन दोनों का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। तो किसी की बला दूसरे के गले में डालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन
इनको मुंह की खानी पड़ेगी, सच को आँच नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य की इतनी लंबी राजनीति में हद तक कोई उंगली नहीं उठा सका। आखिरी सवाल मेरा ये कि 24 के लिए क्या रणनीतियां तय हो रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट में अपना प्रशिक्षण शिविर चला रही है, प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ रही है, समाजवादी पार्टी में आप हैं, आपके ऊपर अहम जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, क्या लगता है कि किस तरह से आप लोग 24 में टक्कर दे पाएंगे? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगी हैं, करना भी चाहिए। और रही बात चुनाव की रणनीति क्या होगी, तो रणनीति रणनीति होती है, उसका खुलासा नहीं होता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ओम प्रकाश राजभर पहले भाजपा में थे, फिर उनकी बुराई करके सपा में आए, और सपा में जो इज्जत उन्हें मिली वो भाजपा में भी नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं कुछ फायदों को देख करके एक बार फिर से जो पलटवार है वो करने में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश का विपक्ष किस तरफ कितना मजबूत दिखाई देता है। कैमरा पर्सन दीपा के साथ मैं नितिन पाइमरी। खबर लखनऊ से है, जहां आगामी मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर ने रिजर्व पुलिस लाइन में तमाम आला अधिकारियों के साथ संगोष्ठी बैठक की। इस दौरान लखनऊ और आसपास के जनपदों से आए पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर ने मुहर्रम के जुलूस और सुरक्षा व्यवस्था को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों को भी ब्रीफ किया। जैसा है कि आपको मालूम ही है, मुहर्रम की पहली तारीख कल है, कल से लेकर के 10वीं तारीख तक हमारे लिए संवेदनशील रहेगा। और इस अवसर पर जो हमारे लखनऊ पुलिस कमिश्नर के अधिकारी हैं, जो हमें बाह्य जनपदों से अधिकारी मिले हैं, कर्मचारी मिले हैं, जो CAPF के लोग आए हैं, उनको आज हमने ब्रीफ किया है। हमने ब्रीफ किया है कि हमारे मुहर्रम का त्यौहार कैसे होता है, कहाँ कहाँ जुलूसें निकलती हैं, कहाँ कहाँ मजलिसें होती हैं, क्या क्या संवेदनशीलता है, जो उनके सवाल थे उनके हम लोगों ने जवाब दिए हैं, और इसलिए किए गए जिससे हमारी ड्यूटी सकुशल संपन्न हो सके। मुहर्रम की तारीख शुरू हो चुकी है, मुहर्रम का पर्व शुरू हो चुका है, इसी के लेकर आज पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर की अगुवाई में संगोष्ठी एक बैठक की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो एक जिम्मेदार व्यक्ति माने जाते हैं कि यहाँ पर पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर से लेकर SP वेस्ट हैं, SC नप्पा जी, DCP वेस्ट है SC नप्पा जी, जो कि बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक आम बैठक की गई थी। यहाँ पर पुलिस बल के साथ डीके ठाकुर थे और तमाम ऐसे पुलिस बल थे, तमाम ऐसे पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने यहाँ पर बैठक की और लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर लखनऊ के त्योहारों की जाना और समझा। कभी बसपा सरकार में रोशन होने वाला अंबेडकर पार्क आज गुमनामी के साए में गुम है। शायद कभी बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह सोचा ना होगा, समाजवादी पार्टी सरकार में चोरों ने इतने सुरक्षित पार्क से धातु का बना हाथी पार्क कर दिया था, तो अब BJP शासनकाल में फिर से हाथी चोरी होना अपने आप में ही एक बड़ा सवालिया निशान है। पिछली 24 तारीख को इतने सुरक्षित पार्क जिसमें 2400 घंटे सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मी तैनात रहते हैं, वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों की तरफ से स्थानीय थाने गौतमपल्ली में मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। साथ ही आज हमने अंबेडकर पार्क जाकर घटना के बारे में जाना और मौके पर स्थिति को जाना। देखिए अंबेडकर पार्क घटनास्थल से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बहन जी की सरकार में करोड़ों की लागत से बनाया गया अंबेडकर पार्क, जो कि गोमती नगर और तमाम लखनऊ की अन्य स्थलों पर है, ये चर्चा का विषय तब आया जब लोगों ने सवाल खड़े किए कि इतने हाथी लगाने की जरूरत क्या आन पड़ी। हालांकि एक बात बता दें आपको कि मायावती का चुनाव चिन्ह भी है हाथी, और आज इस वक्त हम अंबेडकर पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर बीती 24 जुलाई को एक हाथी चोरी हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी से लेकर सफाई कर्मी भी तैनात रहते हैं। यहाँ पर आम जनमानस की एंट्री पूरी तरह से बंद है, लेकिन एक बार आपको दिखाऊंगा कि ये हाथी चोरी हुआ है, और एक कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं ज़रा, यहाँ पर हाथी के तमाम मूर्तियाँ लगी हैं, उसके बावजूद सुरक्षा कर्मियों के होने के बावजूद, सफाई कर्मियों के होने के बावजूद, CCTV होने के बावजूद भी यहाँ से हाथी
चुरा लिया जाता है। जो इस वक्त मैं हाथी की जगह आपको दिखा रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी सरकार में चोरी किया गया था। अब सबसे बड़ी सवाल ये भी है कि एक तरफ हाथी की चोरी की घटना दिख रही है आपको, एक बार आऊँ कैमरा पर्सन से कहूँगा कि पैन करके दिखाएं कि यहाँ पे हाथी के कितने हाथी हैं, तमाम हाथियाँ हैं, और देख सकते हैं कि बड़े हाथी भी हैं, छोटे हाथी हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 1.5 फुट ऊँची और 1 फुट चौड़ी हाथी की मूर्ति चोरी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हाथी एक बना है छोटा सा, उसी की तरह एक चोरी किया गया है। बीती 24 जुलाई को ये सपा सरकार में ये घटना हुई थी। अब मैं बात करूंगा बीती 24 जुलाई की 2022 की, तो यहाँ पर बीजेपी सरकार में एक बार फिर से ये घटना हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि हमारे साथ चलें, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं और हाथी चोरी होने की घटना बहुत बड़ी मानी जा रही है। इस पूरे संदर्भ में मायावती ने भी सरकार को घेरा है और मायावती ने भी कई सवाल खड़े किए हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो ऐसा कृत्य ना होता। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि साथ में चलें, दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर एक और हाथी चोरी किया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मायावती ने ट्वीट करके सरकार को घेरा है, तो वहीं साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षाकर्मी के तैनात होने के बावजूद भी सपा सरकार में एक हाथी चोरी हुआ, अब बीजेपी सरकार में दूसरा हाथी चोरी हुआ। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल अगर खड़ा होता है कि इस हाथी चोरी होने की घटना को अगर आप सोचते हैं, मानते हैं, तो ये बहुत बड़ी घटना साबित होगी। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक दिखाएं कि यहाँ पर बीती 24 जुलाई को एक और छोटे हाथी की मूर्ति थी, यहाँ से चोरी हुई है। ये देखिए, ये जगह आप साफ साफ देख सकते हैं कि 24 जुलाई को यहाँ से हाथी चोरी हुआ है और जो हाथी बताया जा रहा है वो तमाम धातुओं से मिश्रित है और सुरक्षाकर्मी यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, सफाई कर्मियों का तांता लगा रहता है, रोज़ सुबह यहाँ पर सफाई होती है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार को मायावती ने घेरा है और तमाम सवाल खड़े किए हैं। सपा सरकार में हो चाहे बीजेपी सरकार में हो, सवाल तो खड़े किए गए हैं। ये पार्क जो है करोड़ों की लागत से बना है और मायावती की सरकार में इसको बनाया गया था, जहाँ पर तमाम सुरक्षाकर्मी से लेकर सफाई कर्मी तैनात रहते हैं। और देख सकते हैं आपके किस तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई, साबित हुई है। 24 जुलाई को यहाँ पर हाथी चोरी की घटना पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा FIR दर्ज करवाई गई है गोमती कौतबपल्ली थाने में। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस इस हाथी चोर के खुलासे को खुलासा कर पाती है या फिर मायावती एक बार फिर से सरकार को घेरती है। कैमरामैन शुभम के साथ सागर थापा, प्राइम TV, लखनऊ। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में कमर तक पानी भरा हुआ है। बच्चे घर से पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और विद्यालय पहुंचने के बाद परिसर में कमर तक पानी भरा हुआ देखकर पानी में डुबकी लगाते हैं। हालात देखते हुए महाविद्यालय के प्रबंधक ने इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तक की है, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए विद्यालय कहीं और शिफ्ट करने के लिए आदेश भी दिए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और पानी में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। प्रेम, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं लेकिन विद्यालय एक तालाब में तब्दील नजर आ रहा है, बच्चे यहाँ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? और यहाँ पे बच्चों को अंदर आने की अनुमति दी गई है, तो कोई अनहोनी भी हो सकती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग को लेकर पूरी तरीके से नए दांव खेल रही है, नए योजनाएं लॉन्च कर रही है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये नजारा आप स्वयं देख सकते हैं, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं किस तरीके से जगह प्रतापगढ़ में ये पूरा नजारा कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय देहात का है, जो सड़वा चंदकर ब्लॉक में जगह प्रतापगढ़ के पड़ता है, जहां पर जल निकासी का प्रबंध न होने की वजह से विद्यालय परिसर के पूरी तरीके से अंदर व बाहर पूरा पानी से एकदम जलभरा हो चुका है, जिसकी वजह से जो निहाल बच्चे हैं वो पढ़ने को जाते हैं
लेकिन विद्यालयों की छत पर चढ़कर उसके गोदे लगाते नजर आते हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण करने की बजाय स्विमिंग पूल समझ करके विद्यालय में पूरी तरीके से कूद रहे हैं, वहां पर खुद स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी घटना हो सकती है और इन बच्चों को कभी भी इससे चोटें भी आ सकती है। लेकिन बताने की बात करें स्थानीय लोगों की, तो जिस तरीके से विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा डीएसए प्रतापगढ़ को अवगत कराया गया, तो डीएसए प्रतापगढ़ के आदेशानुसार किया गया, विद्यालय के बच्चों को विद्यालय में रखा गया और वहाँ के अध्यापक को भी जिस तरीके से जयपुर प्रतापगढ़ में को लेकर ये खास तौर पर लापरवाही सामने आई है, जिस तरीके से नौनिहालों के साथ ये बड़ा सवाल है कि किस तरीके से नौनिहालों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे में हो सकती है बड़ी घटना। लेकिन संबंधित अधिकारी इसके पहले आखिर क्यों नहीं जागे और इसके पहले क्यों नहीं जल निकासी का प्रबंध कराया? जी प्रेम, अगर बात करी जाए जल भराव की, तो क्या विद्यालय के आसपास के एरिया में भी पानी ऐसे ही भरा हुआ है, विद्यालय में जल निकासी का कोई साधन नहीं है? बिल्कुल, बात करें अगर जल निकासी की, जिस तरीके से मैडम आपको बताया, तो जल निकासी का जो प्रबंध है वो बिल्कुल नाम मात्र के लिए है, केवल कहने मात्र के लिए कि जल निकासी का प्रबंध है। स्थानीय तरीके से देखा जाए तो पास में जाकर देखा गया और जल निकासी का प्रबंध जो है वो पूरी तरीके से शून्य नजर आया, जिसकी वजह से जो पूरे गांव का पानी है जो उस तरीके से गुजरने वाला है वो पूरा विद्यालय परिसर में ही जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं तालाब में पूरी तरीके से विद्यालय तब्दील हो चुका है और जो वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो नौनिहाल बच्चे उस पर स्विमिंग पूल समझकर गोते लगाते नजर आ रहे हैं। जी, विद्यालय को शिफ्ट करने की बात भी कही जा रही है, तो क्या इसके लिए कोई एप्लीकेशन दी गई है, अधिकारियों को इसके लिए सूचित किया गया है? बता दें कि घटना इसके बाद जो है वो विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा ये प्रतापगढ़ को अवगत कराया गया और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर इसकी जो बातें चर्चित में आई, तो बीएसए प्रतापगढ़ को इस विद्यालय पर भी उनकी नजर गई। बता दें कि विद्यालय परिवार प्रोफेसर पर नजर जाने के बाद बीएसए प्रतापगढ़ के आदेश पर पड़ोस के विद्यालय में शिफ्ट किया गया, बच्चों को वहां पर भेजा गया, हालांकि बच्चों की संख्या केवल नाम मात्र ही नजर आई और उसके बाद जो विद्यालय में अध्यापक थे उन्हें भी पड़ोस के विद्यालय में शिफ्ट किया गया। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ प्रतापगढ़ से संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़े थे। अलीगढ़ के थाना लाइन सिविल क्षेत्र में जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन कार्यवाही की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया और सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अधीर रंजन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ऐसा है कि कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी के इशारे पर एक बहुत ही तुच्छ नेता अधीर रंजन ने हमारे महामहिम के खिलाफ अमराजित भाषा का उपयोग करके जो पूरे देश का अपमान किया है, इस अपमान को युवा मोर्चा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज युवा मोर्चा यहां पर डीएम साहब के माध्यम से ये मांग करता है कि अधीर रंजन के खिलाफ देशद्रोह का मामला मुकदमा दर्ज हो। कांग्रेस की मानसिकता प्रारंभ से ही, जैसा हम सब लोगों को ज्ञात भी है, अनेकों बार ऐसे घटनाक्रम हुए जब उन्होंने हिंदुस्तान का अपमान किया, जब नव निर्वाचित एक आदिवासी महिला को एनडीए राष्ट्रपति के लिए प्रमोट करता है तभी से उनको परेशानी थी, और जब वो पूरे देश के समर्थन से, देशवासियों के समर्थन से, एमपी एमएलए के समर्थन से निर्वाचित होकर वो राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठती हैं, तब उन्हीं का नेता उसी भड़ास को निकालते हुए एक ऐसी टिप्पणी करता है जो पूरे विश्व में भारत की शान को बट्टा लगाने जैसी है, देश का अपमान करने जैसी है। और जहां हिंदुस्तान का अपमान होता हो, जहां देश का अपमान हो रहा हो, वहां पर मैं समझता हूं देशद्रोह से छोटा कोई अपराध नहीं बनता है। लखनऊ में कमिश्नरेट की उत्तरी जोन पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे खास तौर पर महिलाओं को अपना निशाना बनाकर चेन स्नैचिंग और लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पकड़े गए आरोपियों पर 34 मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपियों पर कई जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से 4 पीली धातु की अदद चेन समेत 8,600 रुपए कैश भी बरामद किए हैं। थाना क्षेत्र विकास नगर में एक घटना हुई थी जिसमें वादनीय श्रीमती देवी पत्नी अमरेंद्र कुमार, ये अपने बेटे को जो सीएमएस अलीगंज में पढ़ता है उसको लेकर के
ये वापस जा रही थी, उसी दौरान दो बाइक सवार व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति थे, इन्होंने चेन स्नैचिंग की घटना इनके साथ किया था। इस संबंध में थाना विकास नगर में एक मुकदमा 392 में पंजीकृत हुआ था। हम लोगों ने काफ़ी सारे CCTV फुटेजेस खंगाले, जो सर्विलांस की जिसकी मदद लिया, और इसमें फाइनली हम लोगों को सफलता मिली, जिसमें ये दो व्यक्ति ये पकड़े जाते हैं, जिनके पास से ये जो सोने की चेन जिससे स्नैचिंग हुई थी वो बरामद होती है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने आज एक बड़ा गुड़वर्क किया है, दो चैन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ DCP नॉर्थ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह गिरफ्तारी हुई। सर, आज दो चैन लुटेरों को आपने गिरफ्तार किया है, क्या है सर? 26/7 को थाना क्षेत्र विकास नगर में एक चेन स्नैचिंग का एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें महिलाएँ श्रीमती देवी ये अपने बच्चे को स्कूल से लेकर के आ रही थी, उस चेन स्नैचिंग घटना उनके साथ हुई थी। उसमें से कुछ फुटेजेस हम लोगों को मिले थे, कुछ एविडेंसेस मिले, कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर आज दो व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है विशाल खत्री और दूसरे व्यक्ति का नाम है योगेश भट्ट। विशाल खत्री मूलतः पंजाब का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी थाना क्षेत्र विभूतिखंड में रहता था, और इसको जब हम लोगों ने अरेस्ट किया, जब पूछताछ किया, तो पता चला कि ये इस तरह की कई घटनाएं पहले भी कर चुका है, और ये बाराबंकी में और लखनऊ में कुल मिला जुला के इसके खिलाफ 14 मुकदमे पहले से ही दर्ज थे, जिसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी इसके विरुद्ध हुई, और बाराबंकी में ये विगत 7.5 वर्षों से ये जेल में निरुद्ध था। और ये क्योंकि पेशेवर अपराधी थे, तो इसलिए ये सजग भी रहते थे, इनको पकड़ पाने में थोड़ा सा पुलिस को भी काफ़ी प्रयास करना पड़ा, और काफ़ी प्रयास और उसकी मेहनत के बाद जो है ये सफलता मिली है। जो पुलिस टीम है उसको सावर्धन के लिए 5,000 रुपये नगद इनाम दिया गया है। सर, ये जो लूट करते थे, चैन स्नैचिंग करते थे, तो ये जो सोना था, जो चैने थी, वो कहाँ बेचते थे? क्या उधर भी कोई कार्रवाई या कुछ लिंक मिलने में आया? जो जैसे जिन सोनारों को इन्होंने बेची है, उन सोनारों को हम लोगों ने पूछताछ किया, उनसे भी पूछताछ किया, और जो चैने बेची वो हम लोगों ने चैने भी बरामद किया। लेकिन इनके द्वारा भी बताया गया कि हम लोग अलग अलग भेस में जाते थे, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को बेचते थे, अलग अलग भेस में जाते थे, अपनी मजबूरी बताते थे। इसमें अभी हम लोग इस दिशा में अभी विवेचना चल रही है, अभी विवेचना क्योंकि प्रचलित है, और देखते हैं CDR वगैरह हम लोग और जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं इनके और डिटेल में और गहराई में छानबीन करेंगे, अगर कोई ऐसा लिंक निकल के आएगा तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जो ये अभी इनकी जो दो लोग पकड़े गए, इनकी सर लोकेशन वो जो क्या कितना पढ़े थे और क्या था सर? ये सब ऐसे ही है, हाई स्कूल इंटर, सब इंटर पास है, एक हाई स्कूल पास है, एक इंटर पास है, और ये एक तो पारा में ही रहता है अपनी माँ के साथ, और ये जो विशाल खत्री है ये मूलतः रहने वाला पंजाब का है, लेकिन विगत कुछ समय से यहाँ पर विभूतिखंड थाना क्षेत्र में रहता है किराए के मकान पर। ठीक है, ये थे हमारे साथ DCP नॉर्थ कासिम अब्दी। इनका साफ तौर पर कहना है कि दो लोगों को गिरफ्तार किया है, और जो भी ये सोने जहाँ जिन सोनार को बेचते थे उन पर गहराई से पूछताछ चल रही है, अगर उसमें वो निकल के आते तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ शादाब सिद्दीकी, Prime TV लखनऊ। हरदोई में कोतवाली पिहानी इलाके के मोहल्ला सर्कसपुरा में रुपयों की खातिर बेटे ने पिता की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। दरअसल बेटा बाप से रुपयों की मांग कर रहा था, जिसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। कुछ देर बाद पिता घर के बाहर खड़ा था, तभी बेटे ने चाकू से हमला कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। खबर मथुरा से है, जहां दिल्ली से आगरा जा रही गाड़ी यमुना एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए और एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। बाहर पे आ रहे थे तो इसने ड्राइवर चला रहा था गाड़ी, इसने होटल पे खाना खाया था, खाना खा के इसने एक घंटा चलाई थी गाड़ी, एक घंटा के बाद इसने आगे बस जा रही, बस में इन्हें ठोकर मार दी,
कंच बंच सारे टूटे गए और जो खाई देना वो फिर जाना ऐसे गाड़ी एक एक तरफ करी थी फिर एकदम पूरी सवारी झुक गई और फिर चोटिल घायल रह गई। कितने बस तो इतनी नहीं भरी थी लेकिन थोड़े कम ही थे, ज़्यादा बस भरी नहीं थी। 40-50 लोग होंगे। ये दारू पी रखी थी ड्राइवर ने तो उसने पीछे से बस में मारा है पहले, फिर उसके बाद ड्राइवर भी भाग गया छोड़ के बस डिवाइडर में। कहां से चली थी, कहां जा रही थी? दिल्ली से ये जैतपुर तक जाती है। मथुरा में कहां पर हुआ एक्सीडेंट? ये मथुरा में करीब टोल से 7-8 किलोमीटर पीछे जैतपुर जाती है। इसमें करीब 10-15 लोग घायल हैं। हरदोई जिले के संडीला कोतवाली इलाके के इंद्रजी अस्पताल में पूर्व जिला पंचायत सदस्य की गुंडई सामने आई है, जहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने 15 अन्य साथियों के साथ मिलकर अस्पताल कर्मचारियों को धमकाया, अस्पताल में तोड़फोड़ की और मरीज को बिना डिस्चार्ज कराए ही उठा ले गए। इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। थाना संडीला क्षेत्र में एक आरबी हॉस्पिटल है, उस आरबी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति का इलाज हो रहा था और पैर में शायद संभवतः इन्फेक्शन था, तो पैसे को लेकर विवाद को लेकर के वहाँ विवाद हुआ और 10-12 लोग वहाँ पहुँचे, 15 लोग नौशाद के नेतृत्व में, नौशाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य है उस नेतृत्व पहुँचे और वहाँ अभद्रता किए, तोड़फोड़ किए, जिस पर डॉक्टर संतोष कनौजिया द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उनकी नौशाद की गिरफ्तारी भी हुई है। खबर अमेठी से है, जहां नदी में शौच करते समय पैर फिसलने से बुजुर्ग नदी में गिर गया और मौके पर बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें कि यह सारा मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पतापुर गांव का है। हमारे घर से चाचा अभी लाइटिंग के लिए निकले थे सुबह, लाइटिंग करने इधर रोज ही आते हैं लेकिन पता नहीं कैसे आज लेट हो गए, तो हम इधर उधर ढूंढने आए लेकिन मिले नहीं, तो बच्चों को भेजा वो भी नहीं मिले, और इनका थोड़ा पैर और विकलांग थे, हाँ सोच के लिए आए वो पानी में लगता है गिर गए, उठ नहीं पाए और इसी कारण से जो है डूब गए। गोंडा में थाना कोतवाली कर्नलगंज के कस्बा कर्नलगंज में कुछ लोगों ने चोरी का आरोप लगाकर एक युवक को दिन दहाड़े दबंगई से रस्सी से बांधकर बंधक बना लिया, लेकिन वहां पर मौजूद लोग सिर्फ मूक दर्शक बने रहे, जिसके बाद पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठना शुरू हो गया है। तो चोरी के आरोप में युवक को बंधक बनाया है, गोंडा से ये खबर सामने आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से युवक को बंधक बनाया गया है, चोरी का आरोप लगा है, दिन दहाड़े रस्सी से बांधकर बंधक बनाया गया है युवक को। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से चोरी के शक में युवक को बंधक बना लिया गया है, रस्सी से बांध कर युवक को ले जाया गया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है गोंडा से। युवक को बंधक बनाया गया है, गोंडा से खबर सामने आई है, जहां लगातार चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं, तो वहीं एक युवक को चोरी के आरोप में बंधक बनाया गया है, रस्सी से हाथ बांधकर उसे ले जाया गया है और तस्वीरों में देखा जा सकता है लोगों की काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय उदय निर्माण पार्टी में भाजपा संगठन समिति ट्रस्ट एवं ग्लोबल गोरक्षा वाहिनी ने अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ पार्टी में विलय कर लिया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष KD शर्मा ने भी बताया कि पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 24/8/22 को रखा जाएगा, जिसमें भारत के समस्त प्रदेशों से भारी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस मौके पर विलय हुए संगठन ग्लोबल गोरक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई लोग उपस्थित रहे। डिप्टी CM पाठक जी, अन्य भी जो भी पदाधिकारी हैं,
या मंत्री हैं भाजपा से, चूंकि मैं अभी तो उनकी एक कड़ी हूं और मैं उनको याद करूंगा, अगर संभवतः उनकी इच्छा अनुसार अगर कुछ रहेगा तो आएंगे तो मैं उनके साथ। देखिए अब चूंकि हमने अभी तक भाजपा को दिया ही है, लिया तो कुछ है नहीं, हम उन्हीं के लिए आज भी काम कर रहे हैं और अब तक काम करते चले आए हैं। इंसान अपने लिए कहीं ना कहीं कभी न कभी तो चाहेगा ही, आने वाले चुनाव में मैं भाजपा से गठबंधित होकर के कुछ मांग करूंगा सीटों के विषय में, यदि उनके अनुसार या हमारे अनुसार टाई अप तय होता है, गठबंधन होता है ठीक से, तब तो आगे रहेगा, अन्यथा फिर मैं बिल्कुल समर्थन हटा करके और अपने लोग। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।